और बहुत श्रद्धा के साथ उन्होंने जो संस्था स्थापित की उसका नाम है ब्राह्मण समाज। और ये दोनों का महर्षि देवदानंद सत्यार्थ प्रकाश का 11वीं समुल्लास में बहुत सुंदर उसका चित्रण करते हैं। आज इतने बड़े महापुरुषों के और पंडित केशव चंद्र सेन महर्षि देवदानंद से प्रभावित थे, महर्षि देवदानंद उनसे भी प्रभावित थे, बहुत सारी बातों को उन्होंने स्वीकार कर लिया। महर्षि देवदानंद अगर आपने सुना हो उनके जीवन चरित्र में पढ़ा हो तो वो संन्यास लेने के बाद भी कपड़े के नाम पे क्या पहनते थे, एक लाइन क्लॉथ, एक लंगोट, इसके अलावा कुछ नहीं पहनते थे। और ऐसे ही ऊपर कहते पंडित केशव चंद्र सेन, अब जहां तक बात ये उनके जीवन चरित्र की आती है सुना जाता है तो उनका नाम आता है। पंडित केशव चंद्र सेन ने कहा कि महाराज अगर आप जनता के बीच में जाना चाहते तो आप संन्यास वाले कपड़े गैरिक वस्त्र पूरे कपड़े पहने, और उन्होंने एकदम एक्सेप्ट कर दिया, हाँ बात तो ठीक है। संस्कृत में ही बोला करते थे, फिर उनसे भी सुझाव दिया गया कि महाराज सब संस्कृत नहीं जानते तो आप ऐसी भाषा बोलें कि आपको सब सुने सब समझें। तो उन्होंने गुजराती भाषी होते हुए संस्कृत भाषी होते हुए भी उन्होंने फिर हिंदी भाषा का अद्भुत, अगर कहा जाए कि इतिहास अगर हमारी ये हिंदी भाषा का प्रचार सर्वाधिक रूप से और वो संस्कृत निष्ठ भाषा बनाकर, बहुत सारे लोगों ने हिंदी भाषा का प्रचार किया, कोई अवधी है कोई कुछ और प्रांतीय वहां के जो लोकल भाषाएं वो लोक भाषा उसमें बहुत हावी हुई। गोस्वामी तुलसीदास पूरा रामचरित मानस लिख देते हैं उसमें अवधी का बहुत बड़ा है। लेकिन महर्षि देवदानंद जब वो हिंदी को स्वीकार करते तो उसमें संस्कृत निष्ठ हिंदी को स्वीकार करते, थोड़ा बहुत कहीं आपको गुजराती आदि का कुछ थोड़ा बहुत फुट मिलता हो तो मिलता। वो महर्षि देवदानंद हम सबको हमारी मूल संस्कृति से जोड़ना चाहते। बोलिए एक पंक्ति है, विजानी आर्यान ये चदस्यव। मत सोचिए आर्य शब्द के लगते ही आर्य समाजी से कोई मतलब हो, महर्षि देवदानंद ने ये शब्द ही इसलिए रखा कि हम सब कौन है, मनुष्य कौन है। और उसमें समाज शब्द प्रार्थना समाज ब्राह्मण समाज ऋषि देवदानंद कोई अलग से लीग नहीं बनाते, वो देखते हैं भाई ठीक है सब समाज जोड़ रहे हैं मैं भी समाज रख देता हूं, लेकिन मूल से नहीं जोड़ना चाहता। दिन का उल्टा क्या होता है, रात, रात का उल्टा दिन, आर्य का उल्टा क्या है, हाँ नहीं नहीं ये तो एक तो ऐसे कहने के लिए विद्या का उल्टा अविद्या पर्याप्त नहीं है, या तो अविद्या की व्याख्या आप लोग पतंजलि से पूछनी पड़े, अविद्या कह दिया इतना थोड़े पर्याप्त है। जब आप आर्य कहते हो तो आर्य का विपरीत है जो मैंने अभी अभी मंत्र छोटा सा बुलवाया था, विजानी आर्यान ये चदस्य, आर्य का विपरीत शब्द है दस्यु, और दस्यु का अर्थ क्या होता है, जितने भी अपशब्द हो सकते हैं, जैसे कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कृतज्ञ, वो कृतज्ञ का एक पर्यायवाची दस्यु शब्द भी, और दस्यु का अर्थ होता है डाकू चोर लुटेरा, जितने भी शब्द अपशब्द, और उसके बाद तो जब डाकू है चोर है लुटेरा है आतंकी आतंकवादी जो भी नाम आपको आज भी समझ में आए उस सब उसका विपरीत शब्द है आर्य, आर्य का विपरीत शब्द है। अगर हम आर्य नहीं है तो फिर क्या है, फिर दस्यु है, फिर चोर है डाकू है लुटेरे हैं और जो कुछ कहना चाहो सब नाम अपना रख। पूछा गया ऋषियों से संतों से, आप लोग जब उपदेश देते उस उपदेश के कारण फिर आपसे लोग आपका अपमान क्यों करते हैं, आपके ऊपर पत्थर क्यों बरसाना चाहते हैं, आपने तो सच कहा सत्य उपदेश किया तो लोग इतने नाराज क्यों हुए, आप बबूले क्यों हुए। तो मानो महर्षि देवदानंद कहना चाहते हो शब्द कवि के हैं और दो पंक्तियों में अद्भुत शब्द है। मुझे लगता है कि महर्षि देवदानंद के प्रति इतना इससे बढ़कर के और कोई न्यायपूर्ण शब्द बोला ही नहीं जा सकता। और महर्षि देवदानंद ही नहीं, आज आप सोचे ना छोटा मोटा कोई एक अपने आप को प्रसिद्ध कर लेता है और पता चलता है एक मत मजहब उसके नाम से चल गए चल जाते। आप सोचिए कि भगवान पतंजलि कपिल
कर्णाद मनु महर्षि याज्ञवल्क्य और ऐसे ऐसे नाम के जिनके आगे जो प्रसिद्ध मत मजहब लेकर के बैठे हैं वो कहीं दूर दूर तक भी खड़े भी नहीं हो सकते। अगर उनको अगर आकाश में देखना चाहें तो जैसे नक्षत्र दिखाई देते हैं, उन नक्षत्रों को आप भर आंख देख कहा सकते, ऐसे भी नक्षत्र हैं जो अभी तक दिखते ही नहीं है और सूर्य से लाखों गुना बड़े, कहीं वो नक्षत्रों की तरह अनेक बूंद की तरह एक कण की तरह रेत की कण की तरह भी कहीं अपना अस्तित्व ना बचा पाए, ऐसे ऋषियों के आगे उन ऋषियों ने कोई मत चलाया? राम जी ने कोई राम पथ चलाया है क्या? न भगवान कृष्ण जैसा व्यक्ति, फिर भी हम अभागे लोग। और हमारी भी मानसिकता है, देखो फला बाबा फला महाराज उनके पीछे कितने लोग, या तो हम भेड़ चाल वाले बन जाएं या तो शेर चाल वाले बन जाएं, है ना, या फिर मनुष्यता की चाल चल, न भेड़ बनो न शेर बनो, ये दोनों बनना ही नहीं। क्यों भेड़ बनना, क्यों शेर बनना, हमें तो भगवान खुद कहते हैं मनुर्भव, तू मनुष्य है मनुष्य बन जा। और जिस दिन सच में मनुष्यता मनुष्यता का रूप ले लेगी तो बात ही हो। कभी कहता है मानो महर्षि कहना चाहते हैं, ऋषि देव दयानंद कहना चाहते हैं, और सारे ऋषि महर्षि बोलिए, रात कह दिया मैंने, रात को रात कह दिया मैंने, सुनते ही बौखला गई दुनिया। कुछ कहा नहीं है और क्या कहा है, रात को रात कहा, मूर्ख को मूर्ख कह दिया, दुष्ट को दुष्ट कह दिया, बस सुनते ही बौखला गई दुनिया। और हम सारी जिंदगी इसी आपाधापी इसी ना समझी में हम लोग जी गए, और हमें पता भी नहीं चलता। महर्षि देवदयानंद के विषय में कहते हैं कि एक सभा में एक साधु बोल रहे थे, ऐसी सभा लगी हुई, और साधु हाथ जोड़ जोड़ करके गदगद गिरा, आवाज कंठ अवरुद्ध हो जा रहे हैं, आंखों में जैसे अश्रु के कण भर गए हो। और महर्षि देवदयानंद को मानो एक श्रद्धांजलि देते हुए और साधु कहता है, मैंने महर्षि दयानंद के अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को एक बार नहीं अनेक बार पढ़ा, और जितनी बार पढ़ा एक निष्कर्ष पर मैं पहुंच गया कि मेरे ऋषि को तो एक बात का पता ही नहीं था। और पहली बार अब अहंकार भी नहीं तो लोग सुने भाई कोई बात होगी चलो, वो दूसरी बार भी यही बात दोहराए कि मैंने एक बार नहीं अनेकों बार पढ़ा, और मैं सच कहता हूं कि मेरे ऋषि को एक बात का तो बिल्कुल भी पता ना था। अब वो तीसरी बार जब बोला साधु ने कि एक बात का तो बिल्कुल भी पता ना था, एक आदमी से रहा नहीं गया, उसने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, उसने कहा महाराज ऐसा कौन सा ज्ञान है, ज्ञान है विवेक है जो आपको तो पता लग गया और ऋषि को नहीं पता था। तो कहते हैं वो साधु के आंखों में जो आंसू अभी केवल तैर रहे थे वो लुढ़क पड़े, वो लुढ़क गए, और वो कहीं अश्रुधारा जैसी अवस्था में वो कहता है गदगद गिरा के हाथ तरबत होकर के, मैं सच कहता हूं मैंने ऋषि को एक बार नहीं अनेकों बार पढ़ा सत्यार्थ प्रकाश जैसे ग्रंथ को, और हर बार पढ़ने पर एक ही निष्कर्ष पे पहुंचा कि मेरे ऋषि को भय नाम की चीज का तो पता ही नहीं। और कहते इतना पर सुनना था पूरे सभागार उस साधु के प्रति दंडमस्त करतल। आप सोच सकते हो छोटी सी बात नहीं, ऋषि को किसी चीज का भय नाम के, सचमुच में कहें अगर भय होता आज तो आप ऋषि दयानंद भी आए तो आप सोचे कि आज के इस समय में इतने तो मुकदमे चल जाएंगे, आज तो अधिकारियों को कहना पड़ता है कि आप ऐसे कोई वाक्य मत बोलिएगा कि दूसरे यहां के लोग तो जगे नहीं दूसरे जाके उपद्रव खड़े हो जाए, फिर मुकदमे चल पड़े कुछ और चल पड़े, ऋषि दयानंद भी शायद। लेकिन आप सोचिए मृत्यु से भी जो न भयभीत हो ऐसा कोई तत्व ऐसा कोई चिंतक वो महर्षि देव दयानंद, और उन्होंने उस मूल को हमें
पकड़ाने की कोशिश की, हम पहचाने हम कौन है। आज भी हम कहां पहचानने को, आज भी हम राजनेता राजनीति जो हमें समझा रही है हम वो समझ के चल रहे हैं। आज से 20-30 वर्ष पहले ये पार्टियां होती थी, तब भी चुनाव होते थे, कभी ख्याल ही नहीं आता था कि ये आए वोट मांगे, ठीक है वोट दे दिया गया, लेकिन हम थोड़े ना बढ़ते थे पार्टियों में। आज देखते ही देखते, पहले हंसते थे, आज देखते देखते पता चल गया हम भी पार्टी गांव के गांव भरे पड़े और हर जगह एक वैमनस्यता का वातावरण। कभी भीतर हम लोग होश में तो आए और हमारी जिंदगी कैसे बीत रही है। भगवान तो चाहता है कि हम स्वस्ति पंथाम अनुचरेम, हम स्वस्ति पथ के अनुचर बने, अनुगामी बने, अनुयायी बने। अनुयायी का अर्थ है अनुकूलता से उस पर चलने वाला, गति करने वाला। और हमें स्वस्ति पथ, स्वस्ति का अर्थ जो कि साधारण सा अर्थ, लोग स्वस्ति का अर्थ होता है सुख, लेकिन आपने सुना होगा सच्चा सुख। तो सच्चा सुख होता है इसका मतलब एक झूठा सुख भी होता है। अच्छे बच्चे को कौन सा सुख चाहिए होता है, हाँ जी क्या लगता है आपको, बच्चों का कौन सुख, बच्चों को कौन सा सुख चाहिए होता है? नहीं नहीं सुख सच्चा वाला कि झूठा, ये मैं पूछ रहा हूँ, कौन सा सुख चाहिए बच्चों को? सच्चा सुख। बच्चों को झूठा ही सुख चाहिए और उसी के लिए वो सिर पर सारा घर उठा ले। खिलौने चाहिए, आपको सिर पीटने का मन करता है कि खिलौने के लिए पागलपन कर रहा है, बीमार पड़ गया, गुड्डा गुड्डी को उसको लेकर के पागल हुआ पड़ा है और आपको लगता है अरे, तो फिर आपको भी उसके पागलपन की भाषा बोलनी पड़ती है, वैसे ही आपको भी करना पड़ता है, सब करना पड़ता है। और फिर और हमने कभी सोचा नहीं, भगवान वेद व्यास के शब्द हैं योग दर्शन में, बोलिए विषय सुखम च अविद्या इति उक्तम। वो भगवान वेद व्यास कहते हैं और भगवान पतंजलि के सूत्र पर, जहां परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुण वृद्धि विरोधा च दुखम एवं सर्वम विवेकम, सब दुख में ही है, वहां पर भगवान वेद व्यास कहते हैं विषय सुखम च अविद्या। अविद्या क्या है, आपने तो कह दिया ना, विद्या का उल्टा क्या हुआ अविद्या, अविद्या क्या है, तब वो विद्या नहीं है। वो कहते हैं विषयों में सुख लेना यह अविद्या है। अच्छा आप बताओ हम सच्चा सुख ले रहे हैं कि अच्छा सुख कि झूठा सुख ले रहे हैं? विद्या का मतलब सच्चा होगा, अविद्या का मतलब, एक अर्थ तो कर ही लो ना, विद्या का अर्थ अगर सच्चा कर लो तो विद्या का अर्थ झूठा होगा। और हम सारे लोग अविद्या के सुख को इतनी प्रायोरिटी पे बनाए हुए हैं, इस विषय सुख को, कि ये तो करना ही होगा जी, ये तो करना ही है। और जब भी पता हो कि एक बार अगर आपने विद्या की शरण पकड़ ली तो जो सुख मिलता है आपको सच्चा ही मिलता है। आपको जो धन चाहिए, ये धन भी हाथ का मैल है तो ये मैल ही है, ये पता चल जाता है। क्यों कर्णाद के ऋषि के बारे में कहा जाता है कि कर्णाद ऋषि को उस समय के राजा ने कहा, अब वो कितना सच है मैं नहीं, अगर कर्णाद जैसे अनेक साधु संतों की परंपरा हो, वो कहते हैं इतना ही रखना है कुंभी धान्य अपरिग्रह, क्यों संभालना है इतना। मैंने सुना एक साधु, वो बिल्कुल कुछ इकट्ठा ही नहीं करता था, कुछ रखता ही ना था, तो लोगों ने कहा कि महाराज आप इतने साधु हैं तो हम आपको समय पर आपको खाना दे देंगे, आपको भोजन दे देंगे, पानी दे देंगे, आपको हमारे वहां आने की जरूरत नहीं। एक बार ऐसा हुआ अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, तब बोले कि हम खुद अपना अन्न जुटाए कि महाराज को समय पर भोजन दें और इनको हमने मना भी कर रखा, अभी खुद अपना लें। तो देखा कि वो साधु ने भिक्षा मांगने निकला ही नहीं, एक दिन बीत गया, दो दिन बीत गया, पानी मिल जाता था पानी पी के सो जाता था, कोई दिया तो ठीक, ना दिया तो उतना ठीक, तो दी कौन रहा था, सूखे की हालत, अपने बच्चों के पेट पालने भारी पड़ गया। वो साधु तो बिल्कुल अपनी कुटिया में ही बैठा रहा, तो लोग बड़े हैरान हुए। अंत में वहां का एक कोई साहूकार, उसको पता चला, आस पास 10 कोस की दूरी पर था, उसे पता चला कि गांव में एक साधु रहता है और बिल्कुल कई दिन से वो भूखा प्यासा पड़ा है।
उसने कहा कि देखो गांव वालों के पास वो आया, अनाज की पूरी गट्ठर लेकर के आया हो और कहा कि मैं साल भर का अनाज का इंतजाम किए देता हूं। ठीक है, अकाल है, सूखा है। वो साधु कुटिया में से ही बोल पड़ा, अनाज साफ सुथरा है ना, कहीं उसके झंझट में तुम मुझे डाल दो कि मैं उसको साफ सुथरा करता हूं, उसी की चिंता में पड़ जाऊं, मुझे वो करना ही नहीं है। लोग बड़े हैरान, बोले कि इतना अनाज महाराज को मिल रहा है, महाराज कह रहे साफ सुथरा है। तो लोगों ने कहा देखो तो अनाज लोग साधु के जो लाया था वो गांव वाले बोले कि इसके झंझट में छोड़ो, अनाज दिख गया और लोगों ने वो अनाज लूट लिया। वो साधु के पास सिर्फ भी नहीं बचा। वो सेठ बोला शायद गांव के लोगों को जरूरत होगी, चलो गांव के लोग ही सही। लेकिन महाराज के पास बोला महाराज मैं आपके लिए कोई कमी नहीं, आप जैसा कहेंगे साफ सुथरा वो इंतजाम कर देंगे। उस आदमी ने चला गया उस साहूकार। गांव के लोग सारे इकट्ठे हुए, बोले महाराज कुछ कर लो, आप एक गांव छोड़ दो, आप सेठ के साथ ही पीछे लग जाओ, आपका भला हो जाए, नहीं तो हम अब या आप मरेंगे वो हमें बर्दाश्त नहीं होगा, वो हमारे लिए एक और साधु मर जाए गांव में। तो बोले कि फिर हम आपको ऐसा करते हैं आपको दफना ही दे, या तो आप कहें तो आपको मरघट पे पहुंचा दे। चौ साधु हटने को राजी ना, उन्होंने कहा जो तुम करना चाहो कर लो। तो बड़े हैरान हुए, अंत में तो अभी मजाक हो सकता है, लेकिन कहते हैं कि लोगों ने फिर मजाक में सोचा भाई शायद अब इसको भगाना है, ऐसे तो भाग ही नहीं रहा, क्या करें। तो बोले एक अर्थी बिछा दी उस पे, उसको अब वो पांव उसको पकड़ करके लाके बिठा दिया, वो लेट गया मस्त और चेहरा उसका वैसा है बिल्कुल जैसे हमेशा रहता और शरीर सूखी का। लोगों ने फिर उसको जब बांध दिया तो लोग अब बोलेगा, उसने कह दिया देखो मरघट तक भी मैं अकेले नहीं जाने वाला, नियम तुम्हें पूरे पूरे करने पड़ेंगे, तो तुम्हें मुझे ऐसे अर्थी पर लिटाओ, फूल वूल जो भी तुम्हारे पास समझ में आए तो जंगली फूल वूल लेकर के और राम नाम सत्य जो भी बोलना था वो सब बोलते हुए देख। बोले कि भाई अभी क्या करे, खुद राज ले चलो, जो होगा होगा देख लेंगे। अभी वो लेके ही जा रहा था तब तक वो सेठ आ गया, उसने कहा ठहर और मैंने पूरे अनाज की व्यवस्था कर दी है, आप लोगों को कोई चिंता करने की, अगर महाराज नहीं जाना चाहते इस कुटिया में ही रहना चाहते मैं पूरी व्यवस्था करता हूं और इनको उतारो। वो स्वयं लेते लेते ही बोल पड़ा मैं यहां से पैदल नहीं जाने वाला, लेकर के ही जा। हमें नहीं समझ में आया, हमें तो लगेगा तो पागल पर कोई अति, लेकिन अतियां नहीं है। एक बार अगर आपको भरोसा हो जाए ना कि परम धन कोई और है तो फिर ये धन तो छाया की तरह तोड़ता है भागता है। मैंने सुना एक साधु एक शिष्य, तो साधु के पास जब भी कोई भोजन का ढंग बने तो 56 भोग लग जाते थे। तो शिष्य कहते थे कि महाराज आपकी बड़ी निंदा होती है, हम जब लोगों में देखते हैं कोई आपके चरण दबा रहा है, कोई आपके चवन डुला रहा है और आपके 56 भोग लगे हुए हैं तो लोग कहते हैं भोगी साधु है, और हम आपको देखते हैं आपके अंदर कोई भोजन के प्रति या किसी भी सेवा के प्रति कोई आसक्ति है ही, आप ऐसे कैसे, आप छोड़ दो इस नगर को छोड़ दीजिए क्योंकि ये अपमान मुझे बर्दाश्त नहीं होता। बोले क्या करें, बोले कहीं और चलते हैं। तो साधु ने हंस के कहा तू कहीं भी हमें लेके जा, यही घटना घटेगी हर जगह। तो साधु जो शिष्य था वो मानने को राजी ना था, उसने कहा महाराज ऐसा थोड़े ना होते, यहाँ सब आपको जानते हैं, राजे महाराजे हैं सब जानते हैं, आपकी सेवा करते हैं, अब आप अपरिचित जगह चलो ना जहां पे कोई आपको जानता ही ना हो, फिर यही ठाट बाट क्यों होगा, फिर वहां कम से कम हम इज्जत का सुकून की जिंदगी जिए, आपकी निंदा मुझे बर्दाश्त नहीं होती। कहते हैं कि वो साधु चल पड़ा गुरु। दोपहर को एक बिल्कुल जंगल जैसी जगह विशाल वट वृक्ष था, उसकी छांव में गुरुजी को बिठा दिया, बोले गुरुजी आप यहाँ बैठे, अब दोपहर का समय हो गया, थोड़ा सा मैं भोजन प्रसाद कहीं गांव से भिक्षा लेकर के आता हूँ तो जो मिलेगा वही हम खा ले। साधु बोला ठीक है तू जा। वो साधु वो शिष्य तो चला गया भिक्षा दे देगा घंटे दो घंटे में भिक्षा लेकर के वापस लौट। जब वापस लौटता है तो देखता है उस वृक्ष के नीचे तो पूरा लाओ लश्कर जुड़ा हुआ है, वहां एक जैसे राजा की पूरी उसमें बारात वहां पे,
फिर वो सोचा शायद कोई ऐसी ही घटना होगा, मैं कहीं भाग तो जाके देखता तो अपने साधु महाराज को ही देखता, अपने गुरु जी जाकर के पैरों में पड़ गया, क्योंकि वहां पे राजा रानी हुआ क्या था। उसने कहा महाराज ये क्या हुआ? बोले जब तू चला गया तो यहां से राजा गुजर रहा था, उसने मुझे देखा। बोले महाराज आप यहां? उसने कहा मुझे जाना कहीं और था, लेकिन अब यहीं पर हम अपना लंगर डालते और वहीं पर पूरा भोजन प्रसाद बना, वहीं 56 भोग लग गए, वहीं राजा खुद चरण दबा रहा है। अब शिष्य ने तो सिर पीट लिया। उसने कहा कि महाराज अब कहीं भागना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, ये आपका प्रारब्ध आपके साथ है, हमें कभी इस प्रारब्ध पर काम करो। हम विश्वामित्र मंत्र को न जाने कितने वर्षों से बोल ही रहे हैं ना, और ऋषि ज्ञान का अर्थ क्या है? हे सकल जगत के उत्पत्ति करता समग्र ऐश्वर्य युक्त। ये दो अर्थ किसके हैं? सविता शब्द, हे सविता, हे सकल जगत के उत्पत्ति करता समग्र ऐश्वर्य युक्त, ऐश्वर्य शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर, शुद्ध स्वरूप और सब सुखों के दाता, सब सुखों, सुखों के दाता नहीं, सब सुखों के दाता परमेश्वर। ये दो शब्द किसके, दो अर्थ किसके हैं? देव शब्द के, शुद्ध स्वरूप और सब सुखों के दाता परमेश्वर। हमें कभी ख्याल हुआ कि सब ऐश्वर्य का भंडार भगवान है? अच्छा ऐश्वर्य चाहिए, सबको चाहिए, वयम श्याम पतयो रही, पर हम लोग अभागे लोग, हमारी खोपड़ी भी बिल्कुल अलग है। हम जब चाहिए जो, वो हम मांगना नहीं चाहते, वो कहना भी नहीं चाहते, और जो नहीं चाहिए वो हम कहते रहते हैं। हमें मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्ष की बातें करते रहते, मोक्ष चाहिए ही नहीं, और जो चाहिए वो मिल रहा है, मांग सकते हैं, वो मिल भी सकता है, उसकी उसके लिए हम बिल्कुल चुप हाथ पांव बांध करके बैठ जाए। और फिर भगवान कहता है ठीक है, जो तू चाह रहा है वही तो हो रहा है, मोक्ष तू चाह नहीं रहा, भगवान तो मन देख रहा है, अपाणी से तू बोल नहीं रहा। कभी विचार भीतर एक बार विचार करके देखिए, मेरा क्या है जो कुछ है ईश कार्य है, मेरा क्या है जो कुछ है ईश कार्य है, ईश्वर का ही कार्य है। मेरा क्या है जो कुछ है ईश कार्य है, संयम धैर्य त्याग और निष्ठा है जिसमें, बस वह आर्य है। तू जैसे भी रखे, तू जैसे भी रखे, मुझे तो उसमें खुश रहना है, तू जैसे भी रखे मुझे तो उसमें खुश रहना है, क्यों तेरा हर आदेश मुझे तो सिरो। सचमुच में अगर हम आर्य हैं, और इसके लिए महर्षि यास्क कहते हैं आर्य ईश्वर पुत्र, अगर भगवान कृष्ण को अर्जुन को झकझोरना है, हिलाना है उसको, जो क्लीव बन चुका है, तो पहला जो शब्द भगवान कृष्ण जी उसको पुकारते हैं अनार्य जुष्टम कह करके पुकारते हैं, जो आर्यों को उचित नहीं है, ये अर्जुन तू वो करने लगा, तू दस्यु बनने की स्थिति में आ गया, और तुझे ख्याल ही महर्षि वाल्मीकि। और दुर्भाग्य देखो ना, राजनेताओं के तरफ से हमारे शब्द हमारे पास आते हो, भूल गए वाल्मीकि को, भूल गए और दूसरे, कहीं पर कोई नाम नहीं, और ये आर्यावर्तई के देशांतर्गत है। आज भी संकल्प पाठ पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? आर्यावर्तई देशांतर। मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हुआ, एक साधु, और वो साधु एक गांव में कोई 10 साल से रह रहा था, तो उस गांव के लोग भी बहुत भले लोग थे। उन्होंने कहा महाराज आपके आपको हमारे घर आकर के भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं है, आपको समय पर हम ब्रेकफास्ट दे देंगे, लंच दे देंगे, और डिनर आप लेते नहीं है, तो हम सांझ को ही आपको संध्या का समय उसे पहले ही कुछ ना कुछ आप जो लेते हो आपको दे देंगे। उस साधु 10 साल से, लेकिन किसी को फुर्सत नहीं थी, पूरे गांव के लोग 10 साल से साधु को सुना ही नहीं था,
दस साल बाद जो नई पीढ़ी आई उसने कहा कि भाई ये गांव में हम लोग साधु महाराज को सेवा करते हैं, लेकिन कभी उनको सुनना भी चाहिए, उनको कभी किसी ने दुखी नहीं देखा, उनको जो मिला जैसा मिला, किसी ने जो भी प्रातराश में भेज दिया वो खा लिए हैं, कोई शिकायत नहीं की है, न लंच का कोई शिकायत किया, सांझ के न भोजन का कोई शिकायत किया, दूध मिला नहीं मिला, किसने क्या दिया कि उलट के पुलट के कुछ पूछा नहीं। ऐसा अद्भुत आदमी, उसको सुनना तो चाहिए, उसकी लाइफ स्टाइल, हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम दुखी हैं, और इनके पास कुछ भी नहीं है फिर भी ये सुखी हैं, तो कोई तो बात होगी, और महाराज को हमें सुनना चाहिए। तो गांव के लोगों को लगा कि हाँ बात तो ठीक है, और 10 साल हो गए हमें फुर्सत ही नहीं मिलती कार्य। तो गांव के जो मुखिया थे पंच, वो पांच मुखिया इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा भाई चलते महाराज की कुटिया में, गांव के बाहर ही कुटिया बना रखी। बोले महाराज कल रविवार का दिन है, कल छुट्टी का दिन है, अवकाश का दिन है, और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि कल आप हमारे वहां पधारें गांव में और हमें कुछ सुनाएं। वो साधु बहुत हंसा, उसने कहा छुट्टी और तुम सत्संग करना चाहते हो, छुट्टी और परमात्मा को सुनना चाहते, संभव ही नहीं है। वो सारे हाथ जोड़ लिए गांव के लोग, बोले भाई, और साधु ने कहा भाई देखो परमात्मा को तुम सुनना चाहते हो उसके लिए छुट्टी निकालनी पड़ती है, छुट्टी हो फिर परमात्मा, छुट्टी हो फिर सत्संग, ये व्यर्थ की बात है। गांव के लोगों को चोट लगी, लेकिन कहा भाई महाराज आपको पता है ये 10 साल नहीं सुने, बड़ी मुश्किल से। तो साधु बोल पड़ा कि ठीक है 10 साल से सेवा कर रहे हो बिना छुट्टी के ही, चलो तुम छुट्टी निकाल करके नहीं, तुम छुट्टी में तुम करना चाहते हो, मैं आऊंगा जरूर, लेकिन मैं 2 सवाल करूंगा बहुत सीधा सीधा, और 2 नहीं एक ही बात होगी, मैं 2 बार पूछूंगा ताकि कोई शक सुबह न रह जाए, अगर ठीक ठीक उत्तर दिया तो बोलूंगा, नहीं तो फिर 10 साल नहीं सुने हो वापस लौट आऊंगा। वो साधु, गांव के लोगों ने कहा महाराज हम लोग कोई पढ़े लिखे लोग बहुत नहीं, आप कोई प्रश्न करना तो बहुत गूढ़ प्रश्न मत करना, सीधा सीधा सा सरल सा कुछ पूछना, अगर हम ठीक ठीक जवाब देंगे अब देंगे, आप आइए। कहते वो साधु पहुंचा, पूरा गांव इकट्ठा हुआ, बच्चे भी बूढ़े भी महिलाएं भी, और साधु वैसे ही मंच पर पहुंचा, हाथ जोड़ करके सबको नमस्कार किए और कहा कि मैं आप सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और मैं आप सबसे पूछता हूं, मेरा पहला प्रश्न, क्या आप सब ईश्वर को जानते और मानते हो? अगर जानते और मानते हो तो कृपा करके हाथ खड़े कर। तो सारे लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, और साधु बहुत हंसा मुस्कुराया, उसने कहा मेरा दूसरा प्रश्न, वही पहला प्रश्न, क्या आप सब ईश्वर को जानते और मानते हो? यदि जानते और मानते हो तो कृपा कर हाथ खड़े कर। इस बार भी लोगों ने, सारे लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, और साधु हंसा, हाथ जोड़ लिया और कहा जब सब जानते ही हो सब मानते ही हो मेरी क्या जरूरत, मैं चला। वो मंच से उतर अपनी कुटिया पर ही जाकर के रुके। अब जो पंच लोग थे वो बिल्कुल उनके भीतर तो पागलपन एकदम कौतूहल हो गया, भाई अब क्या करें, बात तो कही थी और कोई बड़ा प्रश्न नहीं पूछा, सीधी सीधी बात पूछी, और हम कहां जानते हैं ईश्वर को, कहां मानते हैं ईश्वर को, अगर हम जानते होते मानते होते कि काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष ये पागलपन की जिंदगी हम जी, जिसके लिए हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं छोड़ दे में। गांव के लोगों ने कहा हमसे तो बड़ी भूल हुई, महाराज को तो ऐसे, महाराज को तो सुनना बहुत जरूरी है, जो बोलने को राजी होता यही है, जो बोलने वाले हैं उनको हम सुनना नहीं, घरों में क्या प्रॉब्लम है, पति को कौन सुनना चाहता है, पत्नी को कौन सुनना चाहता है, कोई नहीं सुनना चाहता। लेकिन मैं एक बात कहूं, कभी भी पति पत्नी मजाक नहीं बननी चाहिए, कभी इनको चुटकुला मत बनाइए, नहीं तो अगर पति पत्नी चुटकुला है तो समझ लो माता पिता चुटकुला है, और माता पिता चुटकुला हो गए तो चुटकुलों से क्या पैदा होगा, चुटकुलों से फिर चुटकुले ही आए। एक मजाक है उसको मैं कही दूं बीच में,
एक पत्नी और पति में आपस में बहुत ज्यादा विवाद हो गया। आयु भी पर्याप्त है, 50-55 से ऊपर की आयु हो गई है, और पत्नी कुछ बोल रही है, थोड़ी देर में बोल रही है, लेकिन पति फिर लगातार बोल रहा है, फिर लगातार वो बोल रहा है, फिर पत्नी फिर एक आध वाक्य कुछ बोल दे रही है, फिर वो लगातार बोल रहा है, फिर एक वाक्य। अब ऐसे तो फिर पत्नी एकदम परेशान हो गई। उसने कहा देखो जी, जब उसने सोचा तो हद हो गई है, उसने कहा देखो जी, मैंने तो तुम्हें देखते ही रिजेक्ट कर दिया। अब जैसे ही ये वाक्य सुना, उसके जो जितना कुछ बोल रहा था एकदम स्टॉप लग गया, और उसने कहा, हाथ जोड़ लिया, उसने कहा एक बात बता, अगर तूने देखते ही मुझे रिजेक्ट कर दिया था तो राजी कैसे हुई, फिर शादी क्यों किया। अब वो पत्नी मुस्कुरा, उसने कहा वो मत पूछ, अभी आप लड़ रहे हो इसे, मैं आपसे राजी ही नहीं थी शादी करने को। उसने कहा देख भगवान, ठीक है लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, मैं मुझे कुछ लड़ना ही नहीं है, अब तू बता दे बस तू राजी कैसे थी, अगर तूने रिजेक्ट कर ही दिया था तो क्यों राजी हो। उसने कहा जी देखो, वो आप नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, अभी तो बिना मतलब के इतनी लड़ाई झगड़ा हुआ है, फिर वो सुन लोगे तो फिर पता नहीं क्या होगा, और अभी सुन में अब कहां जाना है, कहां भटकना है। उसने कहा देख, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, ये रहा पानी मैं पी लेता हूँ, ये रहा मीठा तू भी खा मैं भी खाता हूँ, भोजन कर लेते हैं, बिल्कुल हंस लेता हूँ तू भी हंस, कोई मतलब नहीं, बस तू कारण बता दे, अगर तूने पसंद ही ना किया था तो फिर राजी कैसे हो। तो पत्नी एकदम से फिर बोलती है देख लो जी, जब अब संभाल लेना, क्योंकि मैं जो बताऊंगी मैं तो झूठ तो क्या बोलना है, वो बात तो सच्ची। बोले आपने याद होगा आपको, जब आप आए थे मेरे घर पे तो मैंने माँ का हाथ पकड़ा और मैं माँ को कोने में ले गई उस कक्ष में, तो आपने देखा होगा। बोले हाँ बिल्कुल देखा था, तू ले गई।